on a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Dinner Chennai, I am great Kutch Gujarat, Rajni New Delhi. और उसके बाद शुभम सांगवान हरियाणा, विकास पंजाब, उसके बाद आदित्य जामनगर गुजरात, उत्कर्ष लखनऊ, उसके बाद कौन है भाई साहब, जसमीत सिंह कौर पंजाब, और अज्जू भाई न्यू दिल्ली। तो हमारे सांसद बन चुके हैं, ये सब भाई हमारे इतने इतने स्टेट से हमारी सीटें निकल चुकी हैं, और इनको अवार्ड मिलता है मिस्टर पीसी वाले सांसद बनने का। और सूफी मियां कह रहे हैं माइक नीचे कर लिए वरना आपकी आवाज से इन लोगों के कान फट जाएंगे। हमारा टोन है भाई, इस पे तो माइक लगेगा। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बस ये है कि हमारे पास दो दिन से कंटिन्यू खाना नहीं खा पाए, दो दिन से कंटिन्यू जग रहे हैं, और कंटिन्यू पीसी बिल्ड करके हम लोगों ने ये 11 पीसी को बिल्ड किया है। और भाई हम लोग कौन है? अबे आप भी लोग इतना इंसान है यार, मिस्टर पीसी वाले को नया पीसी बाय करना है, वहां पर नंबर दिया हो है 9532 5 मैसेज कीजिएगा, फॉर्म मिलेगा, भर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और सोच रहे हैं कि ये लोग साले पागल वागल है क्या है, तो पागल वागल नहीं भाई, पीसी बिल्डर है, लेकिन पीसी बिल्ड करने के लिए पागल है, क्यों बेटे? बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दैट, और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनका ये पीसी है। और आप लोग ये मत समझिएगा कि दो दिन में जल्दी जल्दी बांध दिए, एक एक का केबल मैनेजमेंट से लेकर हर कुछ बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको कि कौन सी वीडियो उसमें क्या बोलते हैं कैबिनेट का केबिनेट में, कोई बात नहीं, लाइट बंद हो गई बंद हो जाए, तो सब कुछ दिखाएंगे कौन सी कैबिनेट यूज की है, किसका पीसी है, कितने का है, लुक कैसा है, केबिन मैनेजमेंट कैसा है, और इन टोटल पीसी की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं आपको बता सकता हूँ भाई। ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू भाई, आप लोगों ने तो इससे आप अपने बजट का डील टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिखाते हैं आपको कौन कौन सी हम लोग इसमें कैबिनेट कर रहे हैं, किसका किसका बिल्ड है, कितने कितने का बिल्ड है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू भाई लोग। सो भाई लोग ये देखिए, यहाँ से हमारी कैबिनेट स्टार्ट है, 1 2 3 4 कौन कौन सी कैबिनेट है आपके सामने रखी है, सब डिफरेंट लुक की कैबिनेट है, सब डिफरेंट तरीके से बनी है, आपके सामने देखिए सारी रखी है। तो हम शुरुआत करते हैं इधर से, पहले इन सारी कैबिनेट को एक बार साइड में करते हैं, फिर एक एक कैबिनेट को शुरुआत करते हैं, किसकी है, कितने बजट की है, लुक कैसा है, वो सब A to Z आपको दिखाते हैं। सो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन कैबिनेट में से, सबसे पहले हमारी कैबिनेट शुरुआत करते हैं आसुस टफ गेमिंग GT301, ये बिल्ड है हमारे आदित्य समीर भाई संघावी का, जो कि रहते हैं जामनगर गुजरात में, और इनका बिल टोटल देखिए 1,68,436 रुपए का। ये देखिए इसमें कार्ड लगा है आपका 3060 एम्प होलो वाइट, और B50+2 मदरबोर्ड लगा है, लियानली की केबल लगी है, और आपका ये की है आसुस आरओजी स्ट्रिक्स का लगा है 360mm AI। जो बिल्ड लुक वाइज कैबिनेट देखिए कैसी लग रही है, बहुत जबरदस्त लग रही है, देखिए 3 फैन RGB फ्रंट में आते हैं, प्लस ये देखिए ये बेल्ट वगैरह दी गई है लुक के लिए, 240mm का देखिए ऊपर AIO लगा हुआ है, और ARGB की केबल्स लगी हुई है, पीछे फैन लगा हुआ है, और लुक वाइज कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, और इसकी पूरी वीडियो आएगी चैनल पे देखिएगा। अब मैं आपको बताऊं इनमें से कुछ पीसीज की वीडियो शूट हुई है, कुछ की शूट नहीं हुई है, इसलिए मैं सबको कवर कर रहा हूं। तो आदित्य भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको आपके न्यू पीसी के लिए, तो अगर कोई ये कैबिनेट लेना चाहता है तो आप इस कैबिनेट को इसके लुक हिसाब से कंसिडर कर सकते हो।
तो भाई लोग उसके बाद सेकंड कैबिनेट है हमारी HX 2000। ये बिल्ड है हमारे अंकित राज भाई का, जो कि रहते हैं रोहतास कॉलोनी स्टेट बिहार में रहते हैं। और इनका पीसी बिल्ड देखिए टोटल 69,000 का है। और लुक वाइज कैसा लग रहा है देखिए, ये बिल्ड है हमारा 5700 पे और 16 GB रैम लगी है, 250 GB NVMe लगी है, 1 TB SSD लगी है। लुक वाइज ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नो डाउट। और HX 2000 कैबिनेट अराउंड 3300 के आसपास आती है। तो अंकित राज भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको आपके नए पीसी के लिए। दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई अगला जो बिल्ड है वो है हमारा शुभम सांगवान भाई का। देखिए जो ये बिल्ड है ना, ये शुभम सांगवान भाई का, जिनका है 1,25,650 रुपए का है। फुल पीसी सेटअप है, 24 इंच का मॉनिटर लगा है, 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, 8x2 रैम लगी है, 5600 प्रोसेसर, B550 DSP है, वाईफाई मदरबोर्ड लगा है। और कैबिनेट का लुक कैसा आता है आप लोग बताइएगा। शुभम भाई बहुत बहुत मुबारक आपको अपने पीसी के लिए, मिस्टर पीसी वाले से जुड़ने के लिए बहुत 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 मुबारक। और सबसे अच्छी बात देखिए इसमें RGB NVMe लगी है, देखें देख रहे हैं आप, RGB XPG की NVMe लगी है, XPG की रैम लगी है। और ये देखिए 550 वाट कूलर मास्टर की पावर सप्लाई लगी है। ठीक भाई, ये रही हमारी आंट स्पोर्ट 2511MT। सो भाई लोग ये जो हमारा बिल्ड है ये एक श्रेयांश नाम के बच्चे का है, श्रेयांश जो कि रहता है नजफगढ़, जहां के अपने वीरू पाजी का चौवा लगाता था भैया, नजफगढ़ दिल्ली का बिल्ड है। और इनकी मदर का नेम है रजनी, उनके नेम का बिल है। टोटल 215,000 का फुल वाइट पीसी सेटअप है, सभी पीसी दिखाओ कैसे लग रहा है। लियानली O11 डायनेमिक पे है, छोटी वाली डायनेमिक कैबिनेट है, 3060 ग्राफिक कार्ड लगा है और फुल पीसी LG अल्ट्रा का, 27 इंच का मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस एक्सटेंशन केबल टीवी लिंक का वाईफाई रिसीवर 3060 कार्ड और 3700 प्रोसेसर। ओवरऑल भाई लुक कैसा लग रहा है कैबिनेट का आप लोग बताओ। इसकी भी उन्होंने पूरी वीडियो शूट की, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो देख लेना यार, कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी, पता नहीं अभी तक पड़ी है भी या नहीं पड़ी भाई। सो श्रेयांश बहुत बहुत मुबारक आपको अपनी पीसी के लिए। मिस रजनी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक आपके बेटे के न्यू पीसी के लिए। किसी का लियाली पे वाइट थीम पे बिल्ड करा था ना, और मैं एक बात और बताऊं, ये भी बिल्ड ओनली वन इन इंडिया है, क्योंकि इस टाइप के कंपोनेंट का मिक्सचर करके लियानी में अभी तक किसी ने नहीं लगाया। आप यूट्यूब पर चाहे जितनी वीडियो छान लिए, मैं बेट लगाता हूं जिसमें इतना ज्यादा मिक्सचर लगा हुआ है, कूलर मास्टर फैन, जूटा का कार्ड, कूलर मास्टर के लिए वो केबल और आपके D50 थर्मलटेक का AIO और वाइट मदरबोर्ड, इतनी मतलब कंपोनेंट का मिक्सचर अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो श्रेयांश पढ़ाई ज्यादा करना, पीसी कम चलाना, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। सो भाई जो हमारा अगला बिल्ड है वो है दिनेश चेन्नई, दिनेश भाई है जो चेन्नई में रहते हैं, उनका बिल्ड है। इनकी कीमत है टोटल 25 के मात्र 25,000 में। इनको पता था टेली चलाना था, थोड़ा बहुत काम करना था, उस बेसिस पे लिया है ना। तो ये देखिए लुक कैसा लग रहा है दिखने में भाई, 25,000 में और क्या मिल जाएगा भाई बताओ। है AMD का प्रोसेसर लगा है इसमें, कौन सा लगा है, A8 प्रोसेसर लगा, 9600 RGB रैम को इसकी में लगाने की, मदरबोर्ड लगा है। और लुक वाइज कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। तो दिनेश भाई बहुत बहुत मुबारक आपको आपको नए पीसी के लिए, और ऐसे अच्छा काम कीजिएगा, चेन्नई जब भी हम लोग आएंगे घूमने घामने तो आप लोग जरूर मिलेंगे। दिनेश भाई रहते बिहार में लेकिन जॉब करते चेन्नई में, अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ सब चेन्नई में सेट है। तो चेन्नई अपन आएगा भाई, लुंगी पहनेगा और डांस करेगा आपके साथ। कौन कौन चेन्नई से वीडियो देख रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। सो भाई जो अगला बिल्ड है हमारा वो है हमारे मनीष भाई का, जो कि बिलोंग करते हैं ग्वालियर और कहां से, मध्य प्रदेश से। और इनका 2,25,000 रुपए में फुल पीसी सेटअप, 3060 Ti, 27 इंच का मॉनिटर, लॉजिटेक का 10,000 का वेबकैम, लॉजिटेक का 5,000 रुपए का 6,000 का हेडफोन और आसुस का टफ गेमिंग माउस, आसुस का टफ गेमिंग कीबोर्ड और लियानली की कैबिनेट 3600 के साथ 360 में आई हो, 6 फैन, 500 GB NVMe, 16 GB रैम। फुल बिल्ड सुनिए, ज्यादा बिल्ड दिखाओ कैसा लग रहा है। देखिए भाई बिल्ड देखिए कैसा लग रहा है, लियानली की स्ट्रीमर लगी है। ये मत सोचना कि हम आप लोगों को इसे दिखा के ललचा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एक्सपीरियंस कर सको कि कितने कितने कैसे कैसे बिल्ड आते हैं। अगर आप कोई कैमरा लेना चाह रहे हो, कोई बिल्ड लेना चाह रहे हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लाइव ऑप्शन देखने के लिए कि आप देख लो कि कौन कौन से बिल्ड बन सकते हैं। क्यों पंडित, और क्या, कैसे कैसे बिल्ड बन सकते हैं, तुम सब उधर क्यों बैठे हो, कोई बहुत साला पीछे बैठा हुआ है ये, तुम ये सुकून से बैठो सर, ये लो बैठो यहाँ पे अभी भाई। तो मनीष भाई बहुत बहुत कमेंट्रेशन, बस एक बात बताऊँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मनीष भाई मैं बाहर बैठे हुए,
अभी मिलेंगे वीडियो में, लेंगे उनको दिखाएंगे। तो मनीष भाई बहुत बहुत कांग्रेट्स। 5020 की दो कलर में आती है, व्हाइट में भी आती है, ब्लैक में भी आती है, आपको जो कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। तो भाई अगला जो बिल्डर हमारा ये है उत्कर्ष गुप्ता का, 180,000 में RTX 3070 बेस्ड है और आपके इसमें 5600 XP बेस्ड ये हमारा सिस्टम बिल्ड हुआ है। ठीक, अब सबसे पहली बात ये है कि 3D 500 मेश कैबिनेट दिखने में कैसी लगती है, सुफी जरा क्लोज लुक दिखाओ अंदर का बाहर का। भाई इसमें इस तरह जोटैक का 3070 कार्ड लगा है, उत्कर्ष लखनऊ का ये लेने आएगा और जी स्किल टाइडेंट जेड नियो रैम लगी हुई है 36 MHz 8 8 8 2 थर्मलटेक TS240 IO लगा हुआ है और जीएसटिक B550F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो मतलब 180,000 में आप लोग चिल्लाते हो ना, लो 180,000 में RTX 3070 के साथ बिल्ड, इसमें हर कंपोनेंट अच्छे से अच्छा लगा है। तो उत्कर्ष भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको आपके नए पीसी के लिए और कोशिश हम यही करेंगे कि आपको आपका पीसी मिल जाए जल्दी। आप तो लेने ही आओगे लखनऊ और आंटी आई थी साथ में, आंटी हो सकेगा तो आप लोगों से बात भी कराएंगे, बात भी कराएंगे। हाँ अगर उत्कर्ष आ गया तो वीडियो लिंक में डाल देंगे और आपकी बात भी कराएंगे। तो 180,000 में अगर आपका बजट है 3070 आप लेना चाहते हो बहुत इजीली 180,000 में 3070 आ जाता है। तो भाई लोग ये पीसी हमारा मिसेस जसमीत सिंह कौर भटिंडा पंजाब से मात्र 2 लाख मात्र 25,000 रुपए के आसपास का पीसी है इनका मैम का। इनको पीसी चाहिए था, इनके छोटे छोटे किड्स हैं स्कूल जाते हैं तो जैसे बच्चों में बच्चों को ड्राइंग बनाना सिखाना है, जैसे बताना है कि ये माउस होता है ये कीबोर्ड होता है नॉर्मल स्टडी के लिए। हाँ नॉर्मल स्टडी के लिए, कभी कॉपी वॉपी करना हुआ डेटा रखना हुआ तो उस पर्पज से बनाया पीसी। तो अगर आप आई थिंक इसकी वीडियो आई बटन में आ रही होगी आप लोग देख भी लीजिएगा। आई बटन से आता 4 बार इतनी वीडियो पड़ी है किसी किसकी आएगी हमका खुद नहीं पता। तो जसमीत जी बहुत बहुत मुबारक भटिंडा से जो देख रहा है पहले बोलो जो बोले सोनिया सस्त्रिया काल। और इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लोगों को हमको जो है कहते नहीं इंप्रेस करना है, इंप्रेस नहीं करना यार, एक स्वीट प्यारा सा जेस्चर देना चाहते हैं अपने और पंजाब वाले भाइयों को। और जल्दी जब भी पंजाब में हम लोग मीटअप रखेंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे और जसमीत जी आप भी जरूर आइएगा। Most welcome and thanks for contacting and thanks for क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक मिस्टर पीसी वाले का मेंबर बनने के लिए उनकी फैमिली जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत जी, आपने हम पे भरोसा किया, बहुत बहुत थैंक यू। कभी कोई अगर फीमेल कोई लेडीज या कोई गर्ल कोई हम पे ट्रस्ट करती हैं हमसे पीसी बिल्ड कराती हैं तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अंडे कितनी दूर बैठे हैं, बैठी हैं आप लोग ट्रस्ट कर रही हैं, ट्रस्ट करके करा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस न्यू पीसी के लिए। ये पीसी है एक ऐसे बंदे का जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, विकास भाई है फिरोजपुर पंजाब, अगेन अभी भटिंडा पंजाब कहते हैं हम लोग जसमीत जी से मिल के आए थे, अब हम आपको मिलाते हैं हमारे विकास भाई जो कि रहते हैं फिरोजपुर पंजाब। इनका पीसी है अराउंड 2,60,000 रुपए का जिसमें फॉर पीसी भाई 3060 बेस्ड है लेकिन 5950X प्रोसेसर 1TB की जेन 4 NVMe और आपके 16x2 32GB रैम H570E के मदरबोर्ड से जरा क्लोज आके दिखाओ कि लुक कैसा आ रहा है भाई साहब इनके सिस्टम का आप देखिए। और 3060 कार्ड को दिमाग से अगर आप हटा दें तो देखिए ओवरऑल सिस्टम को लुक कैसा आसुस का आरओजी स्टिक नीचे से दिखाओ, नीचे से नीचे से देखो आरओजी स्टिक से वो लगा है इसमें LC360 AIO X570E मदरबोर्ड लगा है। तो लियाली अभी हमने आपको दिखाई थी एक छोटी वाली, एक ये लियाली हमारी बड़ी कैबिनेट, 3 फैन नीचे लगे, 3 फैन पीछे लगे, 1 फैन लगा है फ्रंट में बैक में। तो लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताओ, 2,60,000 में आप लोग मुझे पता है बोलोगे कि 3060 लगा दिया मेरे भाई, जो कॉम्पोनेंट लगे ना इसमें उनके कैसे लगे मतलब सब टॉप लेवल के कॉम्पोनेंट भाई लगवाए क्योंकि उनका टॉप लेवल का काम है। तो फिरोज भाई आपकी सारी सील आपकी भाई ने खोली है जबरदस्त तरीके से काटी है सारी सील, आपके हाथ क्यों गए? अरे मतलब हाथ क्या रहा है, बिल्कुल ऑन कैमरा आपकी सारी सील काटी है इनके भाई ने, आप देखिएगा अपनी वीडियो में एक एक और जितने भी ये कॉम्पोनेंट है ना सब भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। आपने अगर इस पंडित पठान की जोड़ी को जो है कोई पीसी बिल्ड दिया है तो हम कह रहे ना हमेशा आपके भरोसे की कसम, कभी आपका भरोसा टूटने देंगे, कभी आपके साथ फ्रॉड ना हो ना करेंगे और ना कोशिश करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड होने देंगे। टेंशन ना लो, आप जो भी कंपनी होते हैं इतना अवेयर रखेंगे आपको हर तरीके, हाँ, हर तरीके से आपको बताएंगे कि आप इस तरह बच सकते हो और बेफिक्र रहना यार, हम लोग सारे कंपोनेंट सब ओरिजिनल जेन्युइन सीरियल नंबर जो हम आपको देते हैं ना आप कहीं चेक कर लो सीरियल नंबर, बेफिक्र रहो आपने दिया है
तो ये दो लोगों को आपने जमीन से कहते नहीं है उठा के खड़ा किया है जमीन पे, तो हमेशा आप लोगों का भरोसा ऐसे ही बनाए रखेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक भाई, तो विकास भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स आपके मेडिसी के लिए। तो भाई ये बिल्डर हमारे अज्जू भाई का, जो कि रहते हैं कहाँ रहते हैं भाई, हाँ वजीराबाद न्यू दिल्ली, इनका पीसी है 71,410 रुपए का इंक्लूड शिपिंग। तो अज्जू भाई बहुत बहुत मुबारक, 71,000 में भाई क्या क्या लिया, कूलर मास्टर सेम पी 510 MWE 500 वाट SMPS ASUS प्राइम B550 MA वाईफाई मदरबोर्ड लगा है भाई के में, और 1 TB स्टोरेज सेकेंडरी, 1 TB स्टोरेज और 5700G प्रोसेसर लगा है, 16 GB 8 की 2/6 रैम लगी है और 500 GB लगी भाई इनके में NVMe SX8100, ये देखो 500 GB लगी हुई है। Ryzen 7 है, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर, 8 कोर 16 थ्रेड का बंदे ने प्रोसेसर लिया है। इसे पता है आपको कहते हैं, इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं समझदारी वाला डिसीजन कि अगर आप स्ट्रिक्ट बजट में हो तो आपको कैसे कैसे कम, आप देखो 5700G टॉप लेवल, 16 GB रैम, 36 MHz टॉप लेवल, उसके बाद बताऊं 500 GB NVMe 8100 मतलब सैमसंग 3500 MBPS और 3000 MBPS की डेटा स्पीड टॉप लेवल, 550 मदरबोर्ड फ्यूचर प्रूफ, वाईफाई वाला मदरबोर्ड लिया है, वाईफाई चलो कोई बात नहीं, टीवी लिंक डोंगल भी लगा सकते हो, कैबिनेट लिए बंदे ने बढ़िया, तो मतलब समझो अज्जू तुमने जो सिलेक्शन किया है ना आपने कंपोनेंट का, बहुत अच्छा किया है, ऑल गुड थम्स अप, बहुत अच्छा सेक्शन किया है, और अगर कोई सेक्शन गड़बड़ भी करता है तो उसको हम लोग डील कर देते हैं। ठीक है, फीचर बस एक GPU लगना है और एक मशीन आपकी परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट है, दिन जैसा चार लगा के। तो जो बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक आपको आपके न्यूज के लिए। और दिल्ली वालों क्या हाल चाल है बाबा, मस्त है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? So भाई ये पीसी हमारे अलंकृत कुंवर भाई का, जो कि रहते हैं कुछ गांधीधाम कुछ गुजरात में रहते हैं, और इनका पीसी है मात्र 2,67,000 के आसपास का बिल्ड है, और इनका भैया फुल पीसी सेटअप है, आपके 27 इंच का माउंटर, 3060 Ti ग्राफिक कार्ड, क्लोज अप दिखाओ, 3060 Ti ग्राफिक कार्ड और कीबोर्ड माउस हेडफोन और आपके और क्या क्या रहेंगे इनका, और मतलब दुनिया जहां की चीजें हैं, हेडफोन कीबोर्ड माउस है, स्ट्रीमर लुक वाइज कैसा लग रहा है टॉर्क, मतलब आप ये सोचो अगर आप SSD हटा दो तो 2.25 लाख के आसपास इनका PC सेटअप हुआ है। अब आप ये बताओ मुझे, 3060 Ti कार्ड लगा है, अब आप ये बताओ भाई 2.25 लाख रुपए का एंटेक टॉर्क का बिल्ड आपको मिल रहा है, वो भी इतना खतरनाक, तो और क्या चाहिए आपको। तो अलंकृत बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू पीसी के लिए। अलंकृत की सिस्टर उनका नाम पता नहीं क्या है, देख के मैं बताऊंगा, इसकी पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने डिटेल पूरी दी है, उन लोगों का कोई बिजनेस वगैरह भी है तो पूरी डिटेल दी है, अगर आपको उनसे कोई परचेस करना तो आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं, सच्ची शायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं। ठीक है भाई, तो अलंकृत एंड अलंकृत की सिस्टर आप दोनों को इस पीसी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत जल्दी गुजरात आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे जरूर। तो भाई ये नहीं आपके सामने कैबिनेट, हमने उल्ट करके रख दिए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं एक एक कैबिनेट का केबल मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहले ये कैबिनेट हमारी ASUS टफ गेमिंग GT301 का केबल मैनेजमेंट, ये रहा आपके सामने। ठीक, उसके पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट हो गई हमारी IS511MT, इसका केबल मैनेजमेंट ये देखिए, ये रहा आपके सामने, कैसा हुआ केबल मैनेजमेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक, तीसरी कैबिनेट हमारी आ गई सबकी बाप टॉर्क, एंटेक टॉर्क का इतना अच्छा केबल मैनेजमेंट किसने किसने देखा है कमेंट करके बताओ, कहां कहां देखा है मुझे बताओ, ये देखो आप एक एक वायर कितने प्यार से कितने तरीके से आया है, इतने तार थे ना भाई इसमें, इतने तार थे, इसकी पूरी वीडियो चैनल पे आएगी आप लोग देखिएगा। ठीक, उसके बाद ये आई हमारी कूलर मास्टर CMP500 जिसका केबल मैनेजमेंट आप लोग कई बार देख चुके हो, केबल मैनेजमेंट एक नंबर। उसके बाद आती है हमारी कूलर मास्टर की CMP510, वो सॉरी TD500 mesh थी ये वाली, ये TD500 mesh, ये रही आपकी CMP510 का भी केबल मैनेजमेंट आपके सामने है, ये देखिए जबरदस्त मस्त था। ठीक, उसके बाद आती है हमारी सबकी बात थर्मलटेक की, थर्मलटेक View 51TG, ये देखिए इतने केबल थे कहाँ गए, किस दुनिया में गए कुछ नहीं पता, केबल्स कहाँ गए। उसके बाद आई है लियानली की छोटी वाली, लियानली O11 डायनेमिक नॉट XL नॉर्मल डायनेमिक, कैसी लग रही है आप लोग बताइए, उसका केबल मैनेजमेंट कैसा लग रहा है, सारे तार देखिए अंकित भाई ने और पूरी टीम ने हमारी हाइड कर दिए हैं, छुपा दिए, सिस्टमेटिक वे में खूबसूरती से किया गया है। ये रही आपकी चिप्टोनिक्स की HX2000, पीछे छुपा के मैंने रखी क्योंकि स्पेस कम था, ये देखिए
और ये आपका लियाली ओ 11 डायनेमिक एक्सेल वाइट का केबल मैनेजमेंट। कैसा लगा केबल मैनेजमेंट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो भाई लोग जितने भी पीसी बिल्ड करते हैं हम लोग प्रॉपर जिस ये मत समझिएगा कि हर पीसी को नॉर्मल कर दिया गया, उतना ही टाइम दिया जाता है, उतने ही केबल्स वायर केबल मैनेजमेंट के साथ सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉपर टेस्ट करके ही शिफ्ट किए जाते हैं सारे सारे पीसी। अच्छा, कोई भी तुम पीसी का सॉल्व नहीं करते हो तो तुमको बहुत बड़े परफेक्शन हो क्या तुम्हारे अंदर? नहीं, मतलब तुम बहुत बड़े दादा हो क्या? दादा नहीं भाई, मतलब आपको अपने आप को तुम समझ क्या रहे हो? नहीं, इतना 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 तुम क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, लोग क्या लोगों को तुम कहना चाह रहे हो कि तुम सच में कोई क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हो क्या? बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। हां, हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं हमारे पास जितने तुम सबसे अच्छे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो ये बताओ? हम नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पीसी हमारे पास आते हैं हम इसको प्रॉपर मैनेज करके ठीक से प्रॉपर बिल्ड करके। तो इसका क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तुम बहुत अच्छे हो क्या? अब भाई वो लोग आप बताओ भाई केबल मैनेजमेंट को देख के आपको क्या लगता है, पंडित जी के हाथ की कलाकारी कैसी है, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। तो फिर ये आउटरो लो। सो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगी वीडियो? थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था, सोचा कि कुछ नया करके दिखाएं आप लोगों को, इकट्ठा सब कुछ दिखाएं, तो सारे केबल मैनेजमेंट दिखा दिए। तो भाई जितने भी पीसी के ओनर्स हैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों की वीडियो शूट हो पाई है, कुछ लोगों की शूट नहीं हो पाई है, क्योंकि कभी अंकित की तबियत खराब, कभी मेरी तबियत खराब, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम में बिजी जाते हैं। बट बेफिक्र रहिएगा, आपका पीसी उतने ही दिल से किया है जितने दिल से हम लोग सबका पीसी करते हैं। सबका पीसी ए टू जेड मतलब प्रॉपर करते हैं, चाहे वो 20,000 रुपए का हो या चाहे वो 20,00,000 रुपए का पीसी हो। ठीक भाई, सो आज की वीडियो में इतना ही। ऑलवेज खुशी रहिए, खुशी रहिए, ऐसी खुशी रहिए, जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बैठे क्या, सी यू, लॉट्स ऑफ लव। को नया पीसी बाय करना हो, अंकित नंबर दिया है ना, आज रिस्पांस आएगा, अगर वहां पर थोड़ा लेट रिस्पांस आए तो मिस्टर पीसी वाले का इंस्टाग्राम पे रिस्पांस आएगा भाई, फॉर्म प्रॉपर फिल करना। और एक चीज और है कि भाई जिसको 7-8-10 दिन में पीसी चाहिए, 15 दिन में प्लान कर रहा है, वही लोग आपको पिंग करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि पहला मैसेज जो आता है फर्स्ट टाइम आता है, नेक्स्ट टाइम मैसेज नहीं आता रिवर्ट करके। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। Small town.